गाजियाबाद के मुकीमपुर गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहां पर जो गांव के लोग हैं वो इस तरह से भैंसा गाड़ी पे सवार होके वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ चले हैं। यहां पर काफी सारे लोग हैं, हाथों में पर्ची है, अपना आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और वो धीरे धीरे करके अब पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो उसी भैंसा गाड़ी में हमारी टीम यानी कि एबीपी न्यूज की टीम भी सवार हो गई है कि रास्ते में कुछ हालचाल भी जानेंगे और ये बात भी करेंगे कि क्या यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं और इस बार वोट किन मुद्दों पर होने वाला है। गांव के लोग सवार हुए चले हैं, हम भी साथ में सवार हो गए हैं, लेकिन अब जानना जरूरी है कि इस बार यहाँ की जनता यानी कि गांव देहात की जनता जो है इस विधानसभा से किस मुद्दों पर वोट देने वाली है। जी क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी ये बताइए आप कि इस बार काम पर वोट दे रहे हैं, नाम पर वोट दे रहे हैं? काम पर दे रहे हैं जी। काम पर दे रहे हैं, आपका क्या नाम है? पहली बार वोट दे रहे हैं? दूसरी दफे दे रहे हैं जी। दूसरी दफा वोट दे रहे हैं तो बताइए काम पर वोट या नाम पर वोट? काम पे। किन कामों पर वोट दे रहे हैं? बहुत काम, सड़कों की सुविधा करिए, सब बिजली की वो बढ़ाइए, उस चीज के लिए दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, काम पर या नाम पर वोट? काम पर वोट। काम पर वोट दे रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म करिए जी। क्या नाम है आपका? मनवीर। क्या कुछ कहेंगे, काम पर वोट या नाम पर वोट? काम पर दे रहे हैं जी। काम गांव के लोगों के काफी सुविधा करिए, कोरोना काल में सबको अनाज भी मिल रहा है और गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, बस इसी से हम खुश हैं। सब लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जो बातें हैं और अलग अलग कहना है, लेकिन बात है कि हम काम पर वोट कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे, काम पर वोट या नाम पर वोट? काम पर वोट। क्या कुछ काम, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं गाँव के इस बार? गाँव के मुद्दे यही है, सफाई का मुद्दा, रोड का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, और जो योगी जी ने किया है 5 साल में वो किसी सरकार ने नहीं किया पिछली सरकारों में। गुंडागर्दी इतनी खत्म हो चुकी है कि गुंडा खुद दफ्ती डालकर थाने जाता है कि जी मुझे गिरफ्तार कर लो और मैं सब्जी बेचकर गुजारा कर लूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, कोरोना काल में जितना राशन घर पर उन्होंने पहुंचाया, 2000 रुपये किसानों को पहुंचाए, 500 रुपये जीरो बैलेंस में पहुंचाया, इतने शायद कोई सरकार नहीं कर सकती जितना उन्होंने किया। यानी कि यहाँ के गाँव के जो लोग हैं वो इस बार काम पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं, अपनी भैंसा गाड़ी में सवार होके गांव के कुछ बाशिंदे जो हैं वो अब पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं और एबीपी न्यूज की टीम भी साथ में सवार है, पोलिंग बूथ तक हम लोग भी पहुंच रहे हैं और इस बार मतदान को लेकर बेहद उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन हुमेन देशमुख के साथ मध्य एबीपी न्यूज गाजियाबाद।